नमस्कार, मैं प्रकाश जैस और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम रजौल महाराजगंज उत्तर प्रदेश और मंजीत जी के घर में हैं हम लोग। मंजीत सिंह जी के घर में। और भाभी जी, आज हम लोग अक्सर सेलिब्रिटीज लोग का इंटरव्यू होता रहता है, तो हमने कहा एक आम दर्शक के माध्यम से भी सिनेमा का इंटरव्यू होना चाहिए। आपके घर में एक फिल्म बन रही है, गुंडों की आएगी बारात, घर के आसपास कुछ सीन शूट किए गए हैं, आप शूटिंग पहले इसके पहले का देखी थी कभी? नहीं भैया, इसके पहले पहले तो मैं सबको भाई प्रणाम कर रही हूँ, आप सभी लोगों को मेरा। नहीं, इसके पहले तो मैं कभी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम। सिनेमा और शूटिंग के बीच में क्या फर्क लगा आपको? अरे बहुत फर्क है भैया, जो हम लोग पर्दे पे देखते हैं वो हम लोग के पास हो रहा है, रियल लाइफ में हो रहा है, बहुत ज्यादा ही। तो बोर नहीं हो गई एक ही चीज को हम लोग बार बार करते नहीं, रहते नहीं, हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एंजॉय किया हम लोगों ने काफी। अक्सर एक ही चीज को हम लोग बार बार एक ही डायलॉग को बार बार बोलते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत एंजॉय, बहुत अच्छा लगा। जो सिनेमा में आप लोग देखते हैं और 5 मिनट में तय कर लेते हैं कि 3 घंटे में फिल्म बहुत बकवास थी, मेहनत का काम तो है ये, अब देखने के बाद आप लोगों को लगता होगा कि बहुत मेहनत करते हैं लोग, सही बात है, 3 घंटे में फैसला कर लेते हैं कि भैया हिट बनाए कि फ्लॉप बनाए। जी बहुत मेहनत है भाई, स्ट्रगल तो बहुत है। तो आपके घर पे जब शूटिंग चल रही थी तो आप मतलब आसपास के लोग भी तो जो आए थे, पास पड़ोस के लोग आए थे, चूंकि आंटी जी ग्राम प्रधान के लिए चुनाव भी लड़ रही हैं, तो ये शूटिंग जो जिस तरह से यहाँ पे हो रहा है, आपको क्या लगता है कि शूटिंग बीच बीच में होती रहनी चाहिए गांव में? एकदम जी, आप लोग हमेशा भरत हस्त बनाए रखिए हम लोगों पे। चलिए, तो इतना अच्छा लगेगा, इतना तय है कि ये फिल्म की शूटिंग में हम लोगों ने इनको ज्यादा तकलीफ नहीं दी है। अक्सर होता क्या है, हम लोगों से थोड़ी गलतियां हो जाती है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। घर जो घर हम लोगों को शूटिंग के लिए चाहिए होता है, बहुत साफ सुथरा चाहिए होता है, हम 100 लोग आते हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है कि आप लोगों ने, हमारे ईश्वर की भी कृपा है कि भाई इस तरह का हम लोग का सब चीज़ है। धन्यवाद, आप लोग को पसंद आया सबसे बड़ी बात है। तो गुंडों की आएगी बारात, यहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस बार होली भी हम लोगों ने यही मनाई है और नॉन वेज और मिठाइयाँ सब यही, सब कुछ रंग गुलाल सब यही कुछ हुआ। बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत ही टेस्टी खाना खाया हम लोगों ने उस होली की रात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।